सुपरस्टार रजनीकांत बने इंडिया के सबसे महंगे एक्टर, फीस जानकर उड़ जाएंगे आपके होश। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत इस समय सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। फिलहाल रजनीकांत की फिल्म जेलर सिनेमाघरों में धूम मचा रही है और इस फिल्म को लेकर फैंस के बीच गजब का क्रेज देखने को मिल रहा है। 10 अगस्त 2023 को तमिल और तेलुगु भाषा में रिलीज हुई फिल्म जेलर ने बॉक्स ऑफिस पर कई नए रिकॉर्ड्स बनाए हैं। रजनीकांत की फिल्म ने कई सारे रिकॉर्ड्स भी तोड़े हैं और इस फिल्म ने अभी तक दुनिया भर में 600 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई तक कर ली है। इसी बीच फिल्म के लीड हीरो रजनीकांत की फीस को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो गया है। फिल्म ट्रेड एनालिस्ट मनोबाला विजयन ने अपने ट्विटर हैंडल पर रजनीकांत की फीस को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में रजनीकांत की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है, जानकारी मिली है कि कला निधि मारन ने जो चेक रजनीकांत को दिया है वो 100 करोड़ रुपए का है। ये चेक फिल्म जेलर के प्रॉफिट शेयरिंग का है। इसके अलावा रजनीकांत को पहले ही फिल्म की फीस मिल चुकी है, जो कि 110 करोड़ रुपए है। मनोबाला विजय ने आगे लिखा है, कुल मिलाकर सुपरस्टार रजनीकांत को फिल्म जेलर के लिए 210 करोड़ रुपए मिले हैं। इस तरह से रजनीकांत का नाम अब देश के सबसे महंगे एक्टर में शुमार हो गया है। हालांकि अभी तक इस बात की आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर लोग चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें कि नेल्सन दिलीप कुमार के निर्देशन में बनी फिल्म जेलर बॉक्स ऑफिस पर आज भी ताबड़तोड़ कमाई कर रही है और फिल्म जेलर ने बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की फिल्म ओ माई गॉड 2 और सनी देओल की ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर 2 को भी पछाड़ दिया है। इन दोनों फिल्मों से एक दिन पहले रिलीज हुई रजनीकांत की फिल्म जेलर ने अब तक भारत के कुल 328.20 करोड़ रुपए का शानदार कमाई की है। बता दें कि इस फिल्म में रजनीकांत ने एक दमदार पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभाई है। फिल्म जबरदस्त एक्शन से भरपूर है, साथ ही लोगों ने फिल्म के क्लाइमैक्स की भी जमकर तारीफ की है। इस फिल्म में रजनीकांत के अलावा तमन्ना भाटिया, राम्या कृष्णन, वसंत रवि और विनायकन लीड रोल्स में नजर आ रहे हैं। वहीं जेलर में मोहनलाल, जैकी श्रॉफ और शिव राजकुमार ने कैमियो रोल किया है। बोला आपके इस पर क्या है व्यूज, हमें नीचे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।